प्रिय दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। LMO ले जाने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस की पहली रैक राउरकेला इस्पात संयंत्र से रवाना। और COVID-19 चुनौतियों से निपटने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रयासों में और मजबूती। अब समाचार विस्तार से। 30 अप्रैल 2021 की सुबह सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP से ऑक्सीजन एक्सप्रेस की रैक के 4 टैंकरों में 52.5 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO हरियाणा के लिए भेजा गया। यह पहली बार था जब राउरकेला से LMO के प्रेषण के लिए भारतीय रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में इस्पात संयंत्र ने अपने संसाधनों को जुटते हुए LMO का अनुकूलित उत्पादन किया ताकि राष्ट्र और मानव जाति की सेवा की जा सके। चालू माह में RSP ने कोविड रोगियों के उपचार के लिए उड़ीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा सड़क मार्ग से 2700 टन से अधिक LMO को प्रेषित किया है। कोविड महामारी के विरुद्ध देश की लड़ाई में दृढ़ता के साथ अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए सेल RSP लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में LMO की आपूर्ति कर रहा है। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक राउरकेला स्टील प्लांट से 9500 टन से अधिक LMO की आपूर्ति की गई है। इस संदर्भ में RSP के CEO का कहना है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ PNG एंड स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान जी सेल राउरकेला स्टील प्लांट इज पुटिंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन प्रोडक्शन एंड टाइमली डिस्पैच ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। वी एट राउरकेला स्टील प्लांट फील ऑनर्ड दैट वी हैव बीन एबल टू serve the country and the humanity by making LMO available to the critically ill patients. Raukala steel plant has so far dispatched more than 2700 tons of LMO to 10 states in the current month. Today, the first rig consisting of 4 tankers filled with 52.5 tons of LMO was dispatched from Raukala through the Oxygen Express operated by Indian Railways. The tankers will go to Haryana. We are thankful to Indian Railways for the help extended in this noble initiative. We are also thankful to Government of Odisha for developing green corridor for road dispatch. We will continue to render every possible support to our nation to combat the COVID-19 pandemic. राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने सामने आई चुनौतियों के समाधान हेतु अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए और सशक्त कर दिया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की मदद से अब गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के इलाज के लिए RSP के नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ICU सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। वेंटिलेटरों की संख्या कम से कम 100 तक बढ़ाने के लिए युद्धकालीन स्तर पर नए वेंटिलेटरों की खरीद प्रक्रिया जारी है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों की पहचान, पृथक्करण और उपचार और संपर्क खोज RSP में पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस्पात जनरल अस्पताल और सेक्टर 6 अस्पताल में चल रहे 2 परीक्षण केंद्रों के अलावा एक और परीक्षण केंद्र विशेष रूप से IGH की नई OPD में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए खोला गया है।
इसके अलावा बारी बारी से विभिन्न सेक्टरों में एंटीजन परीक्षण भी किया जा रहा है। सूचनाओं का त्वरित संचारण और सुविधाजनक बनाने और कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने के लिए कर्मचारियों के साथ साथ आश्रितों की कोविड परीक्षण रिपोर्ट को आरएसपी पोर्टल के कर्मचारी जोन में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। आरएसपी का 108 सहिया कोविड सेवा केंद्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए अब 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति और चिकित्सा के लिए तैयार है। इसके अलावा टाउनशिप में विभिन्न संगरोध सुविधाओं को भी विकसित किया गया है। आईजीएच सेक्टर 6 और फर्टिलाइजर में जिला प्रशासन की मदद से आरएसपी द्वारा संचालित किए जा रहे 3 टीकाकरण केंद्रों के अलावा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए आईजीएच की नई ओपीडी में एक और टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। कोविड से ठीक होने के बाद कर्मचारियों को ऑनलाइन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भी एक प्रणाली शुरू की गई है। जब कोविड 19 द्वारा सृजित चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, सेल आरएसपी भी समानांतर तौर पर अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों और राउरकेला निवासियों की हर संभव मदद करने के लिए सक्रिय रूप से अपने प्रयासों को लगातार सशक्त किए जा रहा है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।